दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान चल रहा है और सबसे ज़्यादा नज़र इस बात पर रहती है कि वोटर्स की लाइन कितनी लंबी है। इस वक्त हम विनोद नगर में मौजूद हैं, एक पोलिंग स्टेशन के भीतर। आपको ज़रा तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग उमड़े हैं अपने वोटिंग राइट का उपयोग करने के लिए। आप देखिए किस तरह से लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं यहाँ पर। और देखिए, अब ये वो दिन होता है जब 5 साल में एक बार अपनी सरकार चुनने का दिन होता है। एमसीडी जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली के विकास में रखती है, दिल्ली की सिविक एमिनिटीज़ की ज़रूरतों में रखती है, तो यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों से ज़रा बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी भूमिका रहेगी। ये बताइए, कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं? लाइन तो बहुत लंबी है। 10 मिनट हुए। अच्छा, 10 मिनट हुए। क्या कहना चाहेंगी, इस बार 5 साल इंतज़ार रहता है इस दिन का, कितना इम्पोर्टेंट दिन है ये? नहीं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्या काम करा है उस बेस पे देंगे। क्या काम किया उस बेस पे देंगे, आप बताएंगी। आप क्या कहना चाहेंगी कि 5 साल में ये दिन आता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है ये दिन? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप युवा हैं, क्या जहन में चल रहा है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे तो एक तो हमारे साफ सफाई का मुद्दा है। साफ सफाई का? अच्छा। हाँ, और पार्किंग का मुद्दा है। पार्किंग का एक इशू है। देखिए, ये अपने मुद्दे भी बता रहे हैं और बेहद सजग हैं, जागरूक हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या आखिर इनके मन में है। और देख रहे हैं कि पुरुषों की लाइन बहुत लंबी है। कितनी देर से खड़े हैं? 1 घंटा हो गया करीब। मतलब 1 घंटा हो गया, इसका मतलब स्लो चल रही है क्या? बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए कि आज के दिन का कितना बेसब्री से इंतज़ार रहता है? ये वोट डालने का है कि जैसे जो भी काम नहीं करता है उसके लिए हटाने का एक अच्छा मौका है हमारे लिए। अच्छा, देखिए ये बड़ी बात कह रहे हैं कि 5 साल में एक मौका आता है जिसमें आप इवेलुएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं अपने नुमाइंदों का। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, आप बताइए सर क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारा तो ये सिर्फ कहना है कि जो इलेक्शन कमिश्नर जो भी हैं उनको सही तरीके से इसकी जनगणना करनी चाहिए। अच्छा, और सही तरीके से आपका वो करना चाहिए। आपको दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये, एक ही परिवार के हम 10 जने थे, 4 के नहीं आए, 6 के आ गए। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ की भी ये बहुत अहम शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में इनके परिवार के कुछ सदस्यों के नाम नहीं है, तो ये बेहद जागरूक वोटर हैं। और भी युवा भी नजर आ रहे हैं, आप बताइए, पहली बार वोट देने आए क्या? हाँ जी, देखिए फर्स्ट टाइम वोटर हमें मिल गए। आपसे तो बहुत सवाल है, क्या मन में चल रहा है फर्स्ट टाइम वोटर? पहले तो इंतजार कर रहे होंगे आप इस दिन का। हाँ, बताइए कुछ तो बोलिए, इतना शर्मा का आयरन। इंतजार मतलब लाइक वोट डालने के लिए यहाँ पे काफी देर वेट करना पड़ रहा है। एक तो सिर्फ वोट डालने के लिए 30-40 मिनट्स हो गए। ठीक है, हाँ ठीक है, देखिए एक्सपीरियंस है। और जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं, ये एक पोलिंग बूथ की तस्वीर नहीं है, और भी तस्वीरें हैं। और देखिए ये मुझे लाइन महिलाओं की नज़र आ रही है जो बहुत लंबी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये हम कई पोलिंग स्टेशन पर घूमे हैं लेकिन ऐसी लाइन हमको नज़र नहीं आई। इतना ज़्यादा उत्साह लोगों में कहीं दिखाई नहीं दिया जितना विनोद नगर में दिखाई दे रहा है। महिलाओं से एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर क्या सोच रही है। मैम बताइए, कितनी देर से खड़ी हैं? सर, मेरे को मैक्सिमम 1 घंटा हो गया है यहाँ खड़े हुए, लेकिन वोट डाल लाइन आगे बढ़ी नहीं रही है। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी नंबर आए। अच्छा, ये बताइए कि कितना इंतज़ार रहता है इस दिन का? देखिए, इंतज़ार तो इलेक्शन का हमेशा ही रहता है कि अच्छे से अच्छे नेता और हमारे बीच निगम पार्षद वगैरह जल्दी से जल्दी आए जो हमारे एरिया में सुधार कर सके, जो सुधार कर सके। देखिए तो ये लग रहा है कि यहाँ बहुत भीड़ है और दिखाई भी दे रही है विजुअल में। देखिए अब इस बूथ पर पुरुषों की लाइन देख लीजिए यहाँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, आपकी वार से जो MCD का इलेक्शन है ना, एक काम वाली भी घर में मिले, बर्तन धोने वाली भी। क्यों? तो MCD में सारे काम हो रहे, थोड़ा ये भी हो जाए ना आपकी बार, थोड़ा लेडीजों के लिए थोड़ा हेल्प मिल जाएगी ना, बर्तन धोने वाली भी साथ में लग जाए MCD की तरफ से। ये अजीबोगरीब मांग कर रहे हैं, ये दिल्ली में है, दिल्ली में एक अजीबोगरीब कह रहे हैं कि बर्तन धोने काम वाली ही क्यों, काम वाला भी तो हो सकता है, महिला ही क्यों बर्तन धोएगी, पुरुष भी तो धो लेडीज के लिए लेडीज की प्रेफरेंस रहेगी ना सर, लेडीज के लिए लेडीज की प्रेफरेंस रहेगी। बर्तन लेडीज ही थोड़ी धोएंगी, कोई भी पुरुष भी धो सकता है। अभी तक तो लेडीज धो रहे हैं घर में, तो लेडीज आप तो नहीं, आप धो रहे हैं घर में? आप देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये लेडीज के लिए, लेडीज के लिए सोच जुड़ी हुई है कि वही घर का काम करेंगी। मैंने खुद अपोज किया इस बात के, बात सही नहीं है। होटल में तो ज्यादातर आदमी बनाते हैं खाना वगैरह, जो मेन होटल से ज्यादातर आदमी होते हैं वहाँ पे बनाने वाले। ये कह रहे थे कि महिला ही चाहिए काम वाली, लेकिन हमने अपोज किया। और देखिए अब ये कह रहे हैं कि होटल में पुरुष भी खाना बनाते हैं, आप ही से बात करते हैं, बताइए। नहीं, मैं यू कह रहा हूँ ना, घर में वो लेडी को ज्यादा वो रहेगा ना, कंफर्टेबल रहेगा ना उसमें, कंफर्टेबल रहेगा। आप भी तो धो सकते हैं बढ़िया से। हम तो धोते हैं, भले हम अपनी डिमांड कर रहे हैं ना,
सरकार से डिमांड कर रहे हैं, एमसीडी से डिमांड कर रहे हैं। हम रिपोर्ट तो कर रहे थे कि भाई दिखाएं उत्साह कितना है, लेकिन महिला और पुरुषों में एक तरह की एक टकराव भी हम कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि काम वाली चाहिए, वो कह रहे हैं कि पुरुष भी काम कर सकते हैं। तो ये हालांकि इससे इत्तफाक इसलिए नहीं रखा जा सकता, ये कह रहे हैं कि महिला ही हो का बर्तन धो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष भी हर काम कर सकते हैं। तो और भी लोगों से बात कर लेते हैं, आप बताइए सर क्या कहना चाहेंगे। आप लग रहा है आपने एंजॉय किया ये कन्वर्सेशन का, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। कुछ तो बताइए कैसी, क्या दिमाग में चल रहा है? दिमाग में क्या चलना है, बस नहीं, सभी करते हैं, पीठ पीछे सब करते हैं, सामने दिखाना कोई नहीं चाहता। क्या 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 कोई भी काम है, अच्छा। सब लोग सब भाई सपोर्ट तो सभी करते हैं। निशाना लग रहा है उन भाई साहब पे? नहीं, मेरा किसी पे निशाना नहीं है, मैं तो सब पे निशाना है। अच्छा अच्छा, देखिए किसी एक के लिए नहीं। ये देखिए यहाँ पर लोग हैं, अब वोटिंग का अपना इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम विनोद नगर में जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ की आपको दिखा रहे हैं, और देखिए आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर मेला जैसा माहौल है, लोग आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हर वर्ग के लोग हैं, महिला हों, पुरुष हों, बुज़ुर्ग हों, तमाम लोग आपको नज़र आएंगे। आप विक्ट्री साइन क्या मन में चल रहा है? मन में यही चल रहा है कि इसी को देख के मद्देनजर रखते हुए वोट करेंगे कि साफ सफाई कैसी हो रही है। बच्चा किसका है? तो बच्चे को भी दिखाने के लिए आए, घर में कोई था नहीं तो उसको साथ। मैंने देखा कई बच्चे अपनी सियाही की लिब्बी लगवाई उन्होंने वोटिंग वाली, तो उनको दिखाएंगे कि किस तरह से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर में कोई था नहीं इसलिए लेके आए। देखिए यहाँ तक तो आए हैं, तो बच्चों को भी ये जो लोकतंत्र की जो प्रैक्टिस है इसको दिखाने के लिए भी लोग पहुँच रहे हैं। तो बहुत उत्साह यहाँ पर नज़र आ रहा है, और लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं। आज वो दिन है जब 5 साल में वोटर्स के हाथ में एक ताकत होती है कि वो अपने नुमाइंदों को चुने, कैसा चुने, कौन उनकी नुमाइंदगी करेगा, पिछले वालों ने काम किया कि नहीं किया, उस आकलन पर उनको वोट दिया जाएगा। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने वादे किए, दावे किए, आज उन पर जनता अपना फैसला सुना रही है, अपनी वोट कर रही है। और आज जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, और 7 तारीख को नतीजे आएंगे, पता चलेगा कि जनता ने किसके हक में अपना फैसला सुनाया। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।